भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मनोहर लाल जी। आज मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता, आपके बीच में रहने वाला कार्यकर्ता, मेरे जीवन का इतना बड़ा सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके प्रत्याशी के रूप में आपको मुझे देकर मेरे ऊपर पूरे जीवन भर का उपकार किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता आज इस बात से आपका शुक्रिया अदा करता है कि आपने कार्यकर्ता को इस रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी परिवार का दल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में संगठन एक नए आयाम को छुआ है। मैं केवल आप लोगों के बीच धन्यवाद करते हुए आप लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 12 मई को हरियाणा के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र पर और विशेषकर करनाल लोकसभा क्षेत्र के आप सब प्रमुख कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं। हमने तब तक चैन से नहीं बैठना और कमल के फूल वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी को पुनः इस देश के प्रधानमंत्री पद पर स्थापित करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।